बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप दोस्त सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम पकाएंगे मोगरे मिक्स सब्ज़ी। बनाना नहायत आसान है, इसमें हम मेथी, मटर और आलू भी शामिल करेंगे। उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि दोस्तों कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट किया करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। ये रेसिपी बहुत आसान है, तो चंद जल्दी से शुरू करते हैं। ये हमने आधा किलो मोगरे लिए हैं, उन्हें हमने काट के धो लिया अच्छे तरीके से। एक पाव हमने मटर लिए हैं, उन्हें हमने निकाल कर तो अच्छे तरीके से धो लिया। तकरीबन एक पाव हमने आलू लिए हैं, उन्हें हमने छील के अच्छे तरीके से धो लिया। दो बड़े साइज के हमने टमाटर लिए थे, उन्हें हमने धोकर अच्छे तरीके से भी काट लिया। साथ में हमने अदरक लिया, साथ में 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं और एक बड़े साइज का हमने लहसुन लिया था, उसे हमने छीन लिया। आधा किलो हमने मेथी ली है, इसे हमने बारीक काट लिया और अच्छे तरीके से धो भी लिया। हमने 1.5 प्याज ले लिया, उसे हमने काट के अच्छे तरीके से धो लिया। धो भी ले सकते हैं हम, लेकिन हमने हस्पे जैकर ले लिया। तो कढ़ाई रख लिया ना चूल्हे पर, तो 1 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल कर लेंगे। तकरीबन नीचे आग को तेज़ कर देते हैं जब ताकि कुकिंग ऑयल ज़रा जल्दी गर्म हो जाए। प्याज हमने शामिल कर दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। तो प्याज को भी हम यहाँ पर सुनहरा कर लेंगे। तो प्याज हमारा सुनहरा हो चुका है, तो आग हमने थोड़ी कम कर लिया फ्लेम को। तो अब इसमें हम मटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसे ऐसे तरीके से मिक्स कर लें और आग को कर दें तेज़, ताकि ये भी अच्छे तरीके से जो सा हीटा पो के भुन जाए। तो अब ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। नमक 1 चम्मच यहाँ पे शामिल करेंगे, 1 चम्मच यहाँ पे सुरख मिर्च का शामिल कर लेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी का शामिल कर लेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च का शामिल करेंगे। तो अब इसे हम कर लेते हैं मिक्स। फ्लेम को दोबारा तेज कर दिया। अब मसाले को हमने जाता भूनना जाता, इससे ना उससे इसका ऑयल है ना अलहदा ना हो जाए। ये देखें ग्रेवी, इसके जब ग्राइंड कर लेते हैं मसाले को, तो इससे ना ये होता है ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनती है। अच्छा, तो अब इसमें हम तकरीबन 1/2 कप पानी शामिल करने लगे हैं, ताकि मसाले में जो सी कसर रहेगी वो भी अच्छे तरीके से बन जाए और ग्रेवी जो सी गाढ़ी थी वो थोड़ी सी पतली हो जाए। अब इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे भुनने दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाले ने घी छोड़ दिया। तो अब इसमें हम मोगरे शामिल कर देंगे। मोगरे इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि इन्हें भुनने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले हम इन्हें शामिल करेंगे। तो अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं हम। तो नीचे फ्लेम तेज़ कर लें और 5 मिनट हमें इसे मुसलसल पकाना है। तो हम मिक्स कर लिया, तो अब इसे 5 मिनट के लिए हम ढक्कन दे देते हैं इसके ऊपर, फिर अच्छे तरीके से ये पक जाएगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं दम को दिए को हमने ढक्कन खोला। माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये पक चुका है। माशाल्लाह मूंगे देखें कितने ज़बरदस्त हो, कितने सब्स नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। तो अब इसमें हम मटर शामिल कर देते हैं माशाल्लाह 1/2 किलो। अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। माशाल्लाह ये देख। तो अब इससे भी 5 मिनट हमने मुसलसल पकाना है, इस पर अब ढक्कन नहीं देना, इसे आपने वैसे मुसलसल हिलाते हुए बनाना तेज़ फ्लेम पर। माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें हम मेथी शामिल कर देंगे। मेथी को भी मिक्स कर लेते हैं। तो मेथी को भी हम 5 मिनट मसलसल पकाएंगे तेज़ फ्लेम पर। तो मेथी भी हमारी बन चुकी, तो अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। अब आलू को भी यहाँ पे कर लेंगे मिक्स और इन्हें हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही भुनेंगे तेज़ फ्लेम पर, ढक्कन नहीं देंगे। माशाल्लाह किचन में काफ़ी प्यारी खुशबू फैल गई सब्ज़ी की। सब्ज़ी है बहुत ही मज़ेदार लगती है, सब घर वाले बहुत शौक से खाते हैं।
तो आप लोग भी ज़रूर बनाएँ और इस तरह हमें भी कमेंट्स में बताएंगे हमने आपकी वीडियो देखी थी, बहुत ही मज़ेदार बनी। तो अब इसमें हम आधा कप तकरीबन पानी शामिल करेंगे, तब इसे एक मिनट में मिक्स कर लेते हैं। पानी शामिल करने का मकसद ये है कि जो से हमारे आलू हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएँ और जो से थोड़े से मटर हमारे कच्चे हैं वो सारी मतलब सब्ज़ी हमारी अच्छी तरीके से पक जाएगी इस पानी से। तो अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे दम पर लगा लेंगे हल्के फ्लेम पर। तकरीबन हमें 5 से 10 मिनट बाद हमने इसे ओपन किया, 10 मिनट हो गए थे। अब एक बार हम मिक्स कर लेते हैं, चेक करते हैं कि पके हैं। जो से हमारे आलू हैं वो भी मशक से गल चुके हैं अच्छे तरीके से, बस पानी है वो काफ़ी है, वो अभी हमें पानी थोड़ा सा खुश करना है। तो एक चम्मच इसमें हम गरम मसाले का शामिल कर देंगे। तो अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें मज़ेदार हमारे मोंगरे तैयार हो गए हैं, मिक्स मोंगरे। माशाल्लाह से हमारे मिक्स वेजिटेबल मोंगरे अच्छे तरीके से तैयार हैं। तो इसमें हम देसी घी डाल के इसे खाएँ, बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, मोमन सेहत के लिए भी काफ़ी मुफीद होते हैं, उनमें काफ़ी विटामिन्स होते हैं। तो आप लोग इसे देखें बनाएं, साथ में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।